नमस्कार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से मैं आप सभी का प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना की क्षमता निर्माण गतिविधि के तहत स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने के वीडियो प्रदर्शन सत्र के लिए स्वागत करती हूँ। गार्डन स्ट्रॉबेरी को आमतौर पर स्ट्रॉबेरी के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में उगाए जाने वाले आकर्षक फलों में से एक है। गार्डन स्ट्रॉबेरी दो महाद्वीपों से आने वाली जंगली स्ट्रॉबेरी का एक संकर है। स्ट्रॉबेरी एक बारहमासी फल है जिसे बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़े आम्लीय पीएच के साथ समृद्ध मिट्टी की आवश्यकता होती है। बढ़ती स्ट्रॉबेरी के लिए आदर्श जलवायु तापमान 20 से 26 डिग्री के बीच है। स्ट्रॉबेरी का न केवल फलों के रूप में सेवन किया जाता है, बल्कि इनका उपयोग विभिन्न खाद्य पदार्थों जैसे जैम, स्क्वैश, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बेकरी आइटम्स और डेजर्ट में भी किया जाता है। हर 100 ग्राम स्ट्रॉबेरी में 33 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 7.68 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4.89 ग्राम चीनी, 0.67 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम फाइबर होते हैं। स्ट्रॉबेरी विटामिन और खनिजों से भरी होती है। इनमें विटामिन B1, B2, B3, B6, B9 और विटामिन ए की तरह विटामिन्स होते हैं। उसी के साथ खनिजों में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, जस्ता और सोडियम शामिल है। इस प्रकार स्ट्रॉबेरी पोषक तत्वों वाले फलों में से एक है। भारत में स्ट्रॉबेरी की खेती जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में की जाती है। भारत स्ट्रॉबेरी की निर्यात ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में करता है। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आवश्यक मशीनरी है बबल वॉशर, फ्रूट पल्पर, स्टीमर, होमोजिनाइजर, स्टोरेज टैंक, बॉटलिंग यूनिट एक्सेट्रा। क्षेत्र 5000 वर्ग फुट का क्षेत्र इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए आवश्यक है। आइए अब स्ट्रॉबेरी क्रश के प्रसंस्करण को देखते हैं। प्रक्रिया: पके हुए स्ट्रॉबेरी को खेत से काटा जाता है और प्रसंस्करण इकाइयों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जल्दी से खराब होने के कारण कटाई और प्रेषण के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। एक बार प्रसंस्करण इकाई में स्ट्रॉबेरी को पकने और दूषित फलों पर सड़े हुए को हटाने के लिए हल किया जाता है। छटाई के बाद उनकी गंदगी और अवशेषों की सफाई के लिए बबल वॉशर में लोड किया जाता है। एक बार क्लोरीन पानी में धोए गए फलों को साफ करने के लिए पीने के पानी से साफ किया जाता है। सैनिटाइज किए हुए स्ट्रॉबेरी को फिर कन्वेयर का उपयोग करते हुए कोलू इकाई में लिया जाता है। यहाँ पे फलों से क्रश निकाला जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान चाशनी भी तैयार की जाती है। चीनी क्रश में संरक्षक के रूप में कार्य करती है। उसके बाद क्रश को समरूप बनाया जाता है। एक रूप बनावट प्राप्त करने के लिए होमोजिनाइजेशन किया जाता है। इस स्तर पर चीनी सिरप, थिनर, आम्लता नियामक जोड़ा जाता है और सभी भौतिक रासायनिक मापदंडों जैसे स्वाद, बनावट, आम्लता स्तर, क्रश एकाग्रता योज्य का स्तर एक सही अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए सही अनुपात में होना चाहिए। इस संबंध में पैकिंग से पहले नमूना परीक्षण किया जाता है। क्रश को अब कंटेनरों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसका तापमान 95 से 98 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी क्रश और 10 से 30 सेकंड के लिए यहाँ रहता है, ताकि इसे जीवन काल में सुधार किया जा सके। संसाधित क्रश को तब आवश्यकता अनुसार बोतलबंद किया जाता है। पैकिंग प्लास्टिक की बोतलों, ग्लास कंटेनर या ट्रेट्रा पैक का उपयोग करके की जा सकती है। स्वचालित बॉटलिंग इकाई बोतलों में क्रश को भरती है।
और कंटेनरों को सील कर देती है। बोतलों को पैक करने से पहले उन्हें साफ किया जाता है। इन बोतलों को शिपिंग के लिए डिब्बों में पैक किया जाता है। स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि के कारण फलों से रस और क्रश की मांग बाजार में बढ़ गई है। अब तक हमने स्ट्रॉबेरी क्रश बनाने के आधुनिक प्रसंस्करण वीडियो को प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रसंस्करण योजना के आत्मनिर्भर भारत अभियान तहत देखा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ साझेदारी में अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के उन्नयन के लिए तथा वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की है। पीएमएफएमई योजना के दिशा निर्देशों, विभिन्न खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित विवरणों के प्रदर्शन वीडियो और डीपीआर के लिए कृपया हमारे वेब लिंक पर जाएं।